वेलकम टू यूथ विजन इंस्टीट्यूट। हमारा आज का टॉपिक है ऑटो शेप्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑटो शेप का इस्तेमाल और ऑटो शेप कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि सेकंड हमारे पास पेज पे जाकर यहाँ पे अभी हम यहाँ पे कुछ काम अगर करना चाह रहे हैं लाइक नेशनल फ्लैग अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ विच इज़ पाकिस्तानी नेशनल वी आर पाकिस्तानी। सो यहाँ पे पाकिस्तान ठीक है जी नेशनल फ्लैग पाकिस्तान हम क्रिएट करना चाह रहे हैं ऑटो शेप की मदद से। तो कैसे सबसे पहले इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑटो शेप्स आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे इसमें से एज़ पर रिक्वायर्ड आप शेप उठाइए। देखें बहुत सारे शेप्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल को ले लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद जस्ट ड्रॉ कर लेते हैं इसके विड्थ और हाइट। आप इसके साइज़ भी आपको नज़र आ रहे हैं इसको मैं इतना से इसको यहाँ पर बना लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मज़ीद इसमें कलर फिल करने के लिए ये शेप ऑटो फिल शेप फॉर्मेट पे जाके आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें से आप देख लें कलर्स ऑलरेडी हैं इसमें या आप इस फिल शेप कलर में आके यहाँ से भी आप अपनी मर्जी के कलर इंसर्ट कर सकते हैं इसमें फिल कर सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तानी नेशनल कलर जो है वो ये है और इसके आउटलाइन अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो शेप आउटलाइन पर जाएँ और इधर से नो आउटलाइन कर दें तो ये आउटलाइन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए। अच्छा इसके बाद इस शेप को मज़ीद हम पाकिस्तानी फ्लैग शेप में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से एक और रेक्टेंगल ले लें और इस रेक्टेंगल को यहाँ इस कॉर्नर से रख कर लेकर यहाँ से यहाँ तक जो वाइट एरिया है उसको दिखाना है तो उसके बाद फिर यहाँ से आप नन या वाइट कलर कर दें तब आप ऐसे भी देख सकते हैं। इसके भी अगर आप चाहते हैं कि जी आउटलाइन हट जाए तो नो आउटलाइन कर दें तो ये ऐसे दिखाई देंगे आपको पाकिस्तानी फ्लैग। और इसी के साथ इंसर्ट पे वापस जाके इसमें एक और शेप या आपको जो लिवर चाहिए वो यहाँ से उठा सकते हैं जैसे कि मैं जैसे जस्ट लाइक इसी को उठा लें यहाँ से और यहाँ से ड्रॉ करते हैं नीचे तक और जहाँ तक हमें चाहिए होगा इसको ड्रॉ करके छोड़ देते हैं। अच्छा इसके बाद इसमें स्टार एंड मून भी चाहिए तो यहाँ से जाके स्टार एंड मून आप यहाँ पे देख लें ऑटो शेप के एंड पे आके ये देखें स्टार भी है स्टार हमें ये चाहिए होता और मैं स्टार यहाँ पे पुट कर देता हूँ और इस कलर इसको वाइट कर देता हूँ आउटलाइन जो है वो नो रख देता हूँ। इसी तरह इसको अगर मैं जस्ट यहाँ से मून अगर इसमें इंसर्ट करना चाहें जब देखें एक दफ़ा आप ऑटो शेप को ऐड करते हैं तो उसके बाद शेप फॉर्मेट आपके पास टैप आ जाता है वहाँ पे आप इस कॉर्नर से भी इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे इजीली। तो बार बार इंसर्ट पे जाके करने के बजाय आप यहाँ से ही उठा लें तब भी ठीक है इसमें कोई ऐसा कोई ट्रबल नहीं है। यहाँ से उठाएं अब मून आप देख लें यहाँ पे देखें हमारे पास मून कहाँ इधर सर्च करें ऊपर की तरफ लेकर जाएँ और यहाँ देखें इधर यहाँ पर आपके पास मून है तो यहाँ से इस मून को उठा लें आप ये इस शेप ये तो मून नहीं है यहाँ से आके इस साइड पे क्लिक कर लें तो ये आपके पास मून नज़र आ रही है। इसकी सेटिंग आप इस तरह से कर लें और वाइट एरिया और इसको सॉरी यहाँ इसको उठा सकते हैं और इसको यहाँ से करने के बाद थोड़ा सा इसको यहाँ से नेशनल फ्लैग कलर की इस तरह से आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं रिसाइज कर लें वाट एवर जो भी आप जिस तरह वो करना चाहें एज पर रिक्वायर्ड आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। अब देखें इस तरह से ये आप पाकिस्तानी फ्लैग आराम से इसकी जगह आप बना सकते हैं। तो इसके अलावा भी आप कोई ऑटो शेप्स अगर आप कोई शेप क्रिएट करना चाह रहे हैं या आप कोई और करना चाह रहे हैं बनाना चाह रहे हैं तो एज सच इसमें कोई इशू नहीं है आप इजीली ये चीज़ बना सकते हैं। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि लास्ट में इसके इंसर्ट इसके भी शेप ऐड करें यहाँ से आए
और इसी शेप में से कोई शेप उठा लें, इसको यहाँ पे हम स्टेप्स बनाने के लिए इधर रख देते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब आप देखें यहाँ पे भी कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ से यहाँ ऐसे करके आप इसको बना भी सकते हैं, यूँ आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसकी डोरी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ऑटो शेप में ही आप देख लें यहाँ पे बहुत सारी ये डोरियाँ हैं, इसमें लिखें। यहाँ पे हमारे पास कर्व कनेक्टर्स हैं, यहाँ पे हैं मुख्तलिफ, हम इस तरह से उठा लेते हैं और यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। और इसके कलर भी देखें, यहाँ पे आप जो कलर आप देना चाह रहे हैं वो कलर साथ साथ आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से डोरी का कलर आप यहाँ से दे भी सकते हैं। और इंसर्ट पे जाके वापस आप एक और डोरी आप यहाँ से उठा लें और इसको भी यहाँ से इस तरह से जो रस्सा कह लें, डोरी कह लें, ये जो भी कहना है यहाँ पर कर लें। अब इसमें फिर इसको भी आप सेम कलर सेम साइज़ में लेकर आना चाह रहे हैं तो आप इसको ईजीली लेकर आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें अगर आप इस फ्रेम को लिटिल बिट इसमें मज़ीद आप थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं शेप आउटलाइन में जाके, तो यहाँ पे देखें शेडो भी आप दे सकते हैं इसको यहाँ से, आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वेट में जाके मोर लाइन में जाएं आप, मोर लाइन में जाने के बाद अब देखें यहाँ पे वेट और हाइट को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। बिगन एरो स्टाइल भी आप यहाँ से ही रखें, लाइक बिगन हम इसी को रखते हैं। एंडिंग में लास्ट में हम चाह रहे हैं कि एंड एरो टाइप को सिलेक्ट करने के बाद, चूँकि डोरी है हमारे पास, इसको ये हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप देखें आप देख सकते हैं। और इसी तरह सेकंड इसको भी हम उठा लेते हैं, ये जो हमारे पास है इसको भी हम यहाँ वापस ले आते हैं और यहाँ से मैं इसको भी एंड स्टाइल यहाँ से चेंज कर देता हूँ, एरो एंड स्टाइल, और इसको भी ऐसे कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं डोरी जो है इस तरह से आसानी से आप बना सकते हैं। सो फिर पेज वर्ड पे जाके, ताकि अगर आप फुल अगर इसकी व्यू देखना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको वन पेज करें, अब आप देख सकते हैं। तो इस तरह के शेप आप जहाँ यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो आप आसानी से ऐड कर सकते हैं, और साथ साथ और भी बहुत सारे एड्स हैं या शेप्स हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं, और एनी पर्पज़ किसी पर्पज़ के लिए। लाइक हमारे पास ये देखें ये ब्लॉक है, इसको भी आप कहीं पे ऐड करके, इसमें 3D बॉक्स है इसको आप करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि इसके ऊपर अगर आप लिखना चाह रहे हैं, इस बॉक्स के ऊपर लिखना चाह रहे हैं, राइट क्लिक कर लें और इसमें से देखें एड टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप लिखते हैं और इसमें यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं 3D बॉक्स। तो बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इसमें ऑटो शेप्स हैं, जो भी जिस तरह भी आप लेना चाह रहे हैं आप लेके ऑटो शेप के साथ काम कर सकते हैं। सो ये था आज का टॉपिक जिसमें हम ऑटो शेप को किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं और इनसे काम ले सकते हैं। सो होप यू आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट टाइम के लिए गुड लक, अल्लाह।